नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो CES 2020 मतलब टेक्नोलॉजी का एग्जीबिशन शुरू हो चुका है और ये 7 तारीख से 10 तारीख तक होगा। और मैंने आपसे कहा था कि इस इवेंट में जो जो भी बिल्कुल नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा या फिर टेक्नोलॉजी लॉन्च होगा उसके बारे में मैं वीडियो बना के आपको ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो मैंने ऑलरेडी CES 2020 के ऊपर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 बना दिया है। उसमें मैंने एकदम बेहतरीन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया और ये वाला वीडियो है पार्ट 4, जिसमें मैंने आज पूरे दिन में क्या क्या कमाल का टेक्नोलॉजी लॉन्च हो इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। अगर आप गजरोल चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गजरोल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहला जो टेक्नोलॉजी आज लॉन्च हुआ है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इधर सर आपके घर में अगर कुत्ते हैं तो उसके लिए एक बैंड जैसा है, ये रेड कलर का बैंड आपको दिख रहा है। दरअसल इस बैंड को अगर आपके कुत्ते के गले में शरीर में पहना देंगे तो आपके डॉग के अंदर क्या क्या इमोशन चल रहा है, क्या क्या फीलिंग्स चल रहा है, ये बैंड वो सेंस कर लेगा और आपको कह देगा। तो हम कह सकते हैं दरअसल इस बैंड के जरिए हमारे घर में अगर कुत्ते तो वो बात कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट वो दरअसल एक स्मार्ट कार है। फैड फ्यूचर नाम का एक कंपनी है जो कि स्मार्ट कार बनाता है और इस कंपनी ने एक फ्यूचरिस्टिक कार बनाने का कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द प्रोडक्शन में भी चला जाएगा। आप देख सकते हैं इस कार के अंदर भर भर के सेंसर्स और सब कुछ है और मॉडर्न जनरेशन के सारे फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल है। इस गाड़ी का नाम है फैराडे फ्यूचर FF91। और जो अगला प्रोडक्ट वो आज पूरे दिन में जो जो भी चीजें लॉन्च हुआ है उसमें से मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, ये दरअसल एक फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट हेलमेट है। एक फ्रेंच कंपनी जिसका नाम है तालिका ने इस कंपनी ने ये हेलमेट बनाया। दरअसल इस हेलमेट में बहुत सारे स्मार्ट फीचर है जैसे कि एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वाईफाई, ये सारे फीचर्स तो है और इसके अंदर आप कॉल रिसीव कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, नेविगेशन सॉफ्टवेयर के जरिए रास्ता भी खोज सकते हैं। और अगर आप एकदम करेक्टली धूप में निकले और आपके हेलमेट के सामने से बहुत ज्यादा रोशनी आ रहा है तो अंदर का लाइटिंग कंडीशन ऐसा ये हेलमेट कर देगा कि आप तेज धूप में भी सामने देख पाएंगे या फिर अगर आप अंधेरे में चल रहे हो तो आपके अंदर का कंडीशन ऐसा कर दिया कि आप अंधेरे में भी ठीक ठाक देख सकते हो। और एक चीज, आपके साथ कोई भी एक्सीडेंट या फिर हादसा ना हो तो इसमें बहुत सारे AI सिस्टम है जो कि आगे रास्ते में अगर कोई खतरा है तो आपको बताता जाएगा। और अगर आपका एक्सीडेंट हो भी जाता है तो इसमें एक फॉल्ट डिटेक्शन फीचर है जिसके जरिए समझ लेगा कि आपके साथ एक्सीडेंट हुआ है। और अगर आपके फोन के अंदर पहले से कोई इमरजेंसी नंबर सेट किया है तो ये हेलमेट ब्लूटूथ के जरिए उस नंबर पर तुरंत कॉल कर देगा। और इस हेलमेट का एक और जो फीचर है ये दरअसल रात में काम आएगा। अगर आप रात में मोटरसाइकिल चला रहे हो तो एकदम सामने वाला देख नहीं सकता है कि सामने से जो बाइक आ रहा है वो दरअसल लेफ्ट में जाना चाहता है या फिर राइट में जाना चाहता है। तो ये वाला हेलमेट सेंस कर लेगा कि आप लेफ्ट में जाना चाहते हैं या फिर राइट में जाना चाहते हैं। तो हेलमेट के सामने जो ग्लास रहता है उस ग्लास में बहुत सारा LED लगा हुआ है और वो LED ग्लो करने लगेगा और आपके हेलमेट के सामने मतलब शीशे के अंदर वो साइन आ जाएगा, राइट तो राइट या फिर लेफ्ट तो लेफ्ट। मतलब कह सकते हैं कि एकदम मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट हेलमेट है। और जो अगला चीज, दरअसल एक स्मार्ट की चेन है। अब स्मार्ट कीचेन क्या होता है, USA या फिर दूसरे कंट्री में एक प्रॉब्लम है। दरअसल लोग अपने बच्चे को गाड़ी के अंदर बैठा के बाहर चले जाते हैं, वो अपने बच्चे को भूल ही जाते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है कि सांस ना लेने की वजह से या फिर गर्मी की वजह से वो बच्चे की मौत हो चुका है। तो एक कंपनी ने एक ऐसा सीट बेल्ट बनाया, कह सकते हैं इस सीट बेल्ट के जरिए अगर आप अपने बच्चे को बांध देंगे और इसके साथ वो जो की चेन है उस की चेन को जोड़ देंगे और अगर आप कभी भूल के गाड़ी से बाहर चले गए और आपका बच्चा अंदर रह गया तो मतलब वो जो सीट बेल्ट वो बंधा हुआ है तो आपका जो की चेन वो आपको सेंस करा देगा कि आपने अपने बच्चे को अपने साथ नहीं लेके आए, इसलिए कहा जा रहा है कि एक स्मार्ट की चेन है। अगला जो प्रोडक्ट है बहुत ही जल्द हमारे स्मार्टफोन में भी आ सकता है, सैमसंग का सेल्फी टाइप। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं स्मार्टफोन के जो सेल्फी कैमरा वो ही दरअसल एक AI कैमरा के हिसाब से काम करेगा। स्मार्टफोन को हमें ऐसा रखना होगा और वो स्मार्टफोन हम जब सामने मतलब टेबल के ऊपर ही हम जैसे की प्रेस करेंगे तो वो AI सिस्टम हमारे उंगलियों को स्टडी करता रहेगा और ये समझ लेगा कि हम आखिरकार क्या टाइप कर रहे हैं और वो चीज स्मार्टफोन में टाइप हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एकदम नया जनरेशन टाइपिंग टेक्नोलॉजी है। अगला प्रोडक्ट एक रनिंग शू है, कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स रनिंग शू है और तो ब्लूटूथ ईयरफोन की मदद से ये AI सिस्टम अलग अलग आपको एडवाइस देता जाएगा कि आप आपके रनिंग को कैसे सुधार सकते हैं। और स्टडी में भी ऐसा दिखा गया है जब ये शू पहन के कोई दौड़ता है तो उसका रनिंग स्पीड जनरली इंक्रीज होता है। अगला जो क्या है, दरअसल एक खिलौना है लेकिन ये बहुत ही बढ़िया AI खिलौना है। इस खिलौने का नाम है मार्स कैट। ये बिल्कुल आपके घर के बिल्ली जैसा है लेकिन ये एक AI सिस्टम है। अब AI सिस्टम क्या होता है, आप उससे जो कहेंगे वो करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये जो खिलौना बिल्कुल एक बिल्ली का ऑल्टरनेटिव है। एक बिल्ली क्या करता है, अपने मन मुताबिक इधर उधर घूमता है, मतलब अपने मन की करता है।
ये जो खिलौने बिल्कुल सेम काम करेगा, ये खुद से बहुत सारे काम मतलब इधर उधर दौड़ेगा, सो जाएगा, ये सब चीजें करेगा और आपके कुछ कुछ ऑर्डर्स भी मानेगा। अगला जो प्रोडक्ट वो दरअसल एलजी का एयर प्लेन ग्लास है। कहा जा रहा है कि फ्यूचर में जो भी एयरप्लेन होगा उसके बाहर जो शीशा होगा वो शीशा दरअसल ये विंडो होगा और इसमें आप बाहर की चीजें के बजाय कोई दूसरा वर्चुअल चीजें भी देख सकेंगे। और एलजी का जो नेक्स्ट प्रोडक्ट दरअसल वो कहीं सेल के लिए नहीं है लेकिन ये टोटली एग्जीबिशन के लिए आप देख सकते हैं। एलजी ने एक स्पेशल बेंडेबल ऐसा ग्लास बनाया है एग्जीबिशन हॉल के पूरा का पूरा अच्छा ग्लास से ढका हुआ है और ये वाला डिस्प्ले इस्तेमाल किया जाएगा स्पेशली लाइट शो के लिए या फिर ऑडिटोरियम के लिए। तो सीईएस 2020 में हमने ऑलरेडी देखा है कि बहुत सारे फोल्डेबल टेक्नोलॉजी आया है। तो लिनोवो ने अपने जो टैबलेट उसका फोल्डेबल वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस टैबलेट का नाम है लिनोवो थिंकपैड X1 फोल्ड और ये टैबलेट पूरा का पूरा फोल्ड हो सकता है। अगला जो प्रोडक्ट ये बहुत ही कमाल है, कहा जा रहा है कि ये दरअसल एक स्मार्ट सेफ है। इस चीज का नाम है जूलिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर कुकर है। इसके अंदर टोटल 8 मोड है। इस मशीन के जरिए आप कोई चीज को नाप सकते हो, उसे उबाल सकते हो, उसे काट सकते हो और अलग अलग मोड के जरिए आप बहुत सारे खाना भी पका सकते हो। मतलब कह सकते हैं छुरी या फिर दूसरे चीजों की मदद से हम जो काम करते ये प्रेशर कुकर एक ही साथ सब काम कर देगा एआई सिस्टम की मदद से। और इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स और कैमरा है जिसके जरिए अगर हम कोई इंग्रेडिएंट इस प्रेशर कुकर के अंदर डालते हैं तो ये प्रेशर कुकर बहुत सारे इंग्रेडिएंट को स्कैन करके हमें सजेस्ट करेगा कि हमें इस इंग्रेडिएंट की मदद से कौन कौन सी चीजें बना सकते हैं। मतलब कह सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन प्रेशर कुकर टेक्नोलॉजी। अगला जो प्रोडक्ट वो एलजी की तरफ से लॉन्च किया हुआ स्मार्ट मिरर है। हमारे घर में जो मिरर होता है कहीं पर जाने से पहले थोड़ा सा बाल या फिर ड्रेस हम देख लेते कि ठीक ठाक है या फिर नहीं। कहा जा रहा है कि ये फ्यूचर का स्मार्ट ग्लास है। फ्यूचर में सब ऐसे ही ग्लास इस्तेमाल करेंगे और इस ग्लास के जरिए हम शॉपिंग ही कर सकेंगे। मतलब इस ग्लास के सामने अगर हम खड़े रहेंगे इसके अंदर 3D कैमरा है, ये हमारे बॉडी का पूरा पिक्चर ले लेगा, उसका एक 3D ग्राफ बनाएगा, फिर अलग अलग ड्रेस को उसके ऊपर चढ़ाएगा जिससे कि हमें पता चले कि हमारे बॉडी में कौन से कलर के साथ कौन से कलर का मैचिंग है और हमारे लिए एग्जैक्टली कौन से साइज का टी शर्ट या फिर दूसरी चीजें फिट होगा। और आज के दिन का जो आखिरकार प्रोडक्ट दरअसल कहा जा रहा है कल या फिर आज रात को ये लॉन्च हो सकता है। ये सैमसंग की तरफ से आने वाला एक एक्सटेंडेबल डिस्प्ले स्मार्टफोन है। मतलब अब तक हमने सुना था स्मार्टफोन को बेंड कर सकते रोल कर सकते लेकिन ये पहला स्मार्टफोन होगा जिसे हम अगर खींचेंगे तो ये जो ग्लास वो धीरे धीरे बड़ा होगा। जैसे प्लास्टिक धीरे धीरे खींचने से बड़ा होता है या फिर इलास्टिक बिल्कुल सेम क्वालिटी का डिस्प्ले होगा। तो देखते हैं कि सैमसंग ऐसा टेक्नोलॉजी इस इवेंट में लाता है या फिर नहीं। तो आज का वीडियो तक उम्मीद आज का वीडियो को पसंद आएगा। अगर वीडियो को पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपके चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।